ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं एक और महापर्व, महाउत्सव और एक बहुत ही विशेष समय के बारे में जो हमें शिव पूजा के लिए प्राप्त होता है। जो शिव भक्ति चैनल से बहुत पहले से जुड़े हैं उनके जीवन में अब वो बात तो खत्म हो चुकी होगी कि अब शिवरात्रि गई तो पूरा एक साल और इंतजार करो, महाशिवरात्रि आने का कुछ विशेष उत्सव होगा। हर महीने दो तीन समय ऐसे इस चैनल से आप लोगों को प्राप्त होते हैं कि वो महाउत्सव की तरह ही आप उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। अब वो समय जा चुका है कि हम एक साल तक पूरा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए प्रतीक्षा करें। महाशिवरात्रि अपनी जगह है किंतु बहुत सारी चीज़ों से हम अवगत नहीं थे, इस कारण भगवान शिव के ऐसे विशेष उत्सव हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। किंतु इस चैनल से जुड़ने के बाद आप सभी शिव भक्त बिल्कुल भी, जैसा मैंने पहले बिल्कुल ये चैनल की स्टार्टिंग में आप सभी शिव भक्तों से कहा था कि कोई भी महीना ऐसा नहीं जाएगा जब आप शिव उत्सव नहीं करेंगे। हर महीने आप विशेष शिव उत्सव कर सकते हैं और शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक्साइटमेंट रहता है, बहुत अच्छा लगता है कि हर महीने शिव भक्त विशेष उत्सव करते रहते हैं, भगवान शिव के उन विशेष समय में उनकी पूजा करके विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ एक्साइटमेंट बना रहता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी बोरिंग लगता ही नहीं है। हर महीने कुछ ना कुछ नया शिव के लिए करने में जो फीलिंग्स आती हैं, जो अच्छापन महसूस होता है, मन को शांति मिलती है, वो अलग ही लेवल की। आप सभी शिव भक्त मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ये स्क्रीन पर आईडी आपको दिख रही है, मेरे शिव फॉर एवर, ये मेरी आईडी है। यहाँ जाकर के आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको आने वाले जो बहुत विशेष समय में और विशेष उत्सवों की फोटोज वीडियोज आपको वहाँ प्राप्त होंगी। साथ ही हो सकता है इन फ्यूचर कभी लाइव वीडियो कॉल से क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंस्टाग्राम पर हो जाए, इसलिए जितने भी शिव भक्त यहाँ चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं जो अगला विशेष समय आ रहा है शिव पूजा के लिए, वो है 6 दिसंबर को मंगलवार। अब कैलेंडर उठा के आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, उत्तर भारत के कैलेंडर में आपको कुछ विशेष दिखेगा नहीं। यहाँ 6 दिसंबर है, मंगलवार है, किंतु ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है। जैसा हमने अभी मार्ग शीर्ष का अदरा नक्षत्र सेलिब्रेट किया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये समय है, उससे भी कुछ ना कुछ प्लस इसके अंदर आपको प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है देखिए, सबसे पहले तो ये मार्ग शीर्ष का वैसे ही विशेष महीना जो चल रहा है, इसमें घी से अभिषेक वगैरह हम करते हैं। इस दिन है कृतिका नक्षत्र, जिसे कार्तिकाई भी कहते हैं। साथ में ये तमिल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो देखिए देश काल के अनुसार यहाँ नर्मदा उत्तर तट और नर्मदा दक्षिण तट में भेद है, वो कुछ समय पीछे चलते हैं, हम कुछ समय आगे सेलिब्रेट करते हैं। किंतु देश काल और परिस्थिति को देखा जाए तो अरुणाचल जहाँ पर स्थित है, यानी कि जो तमिलनाडु है, वहाँ पर जो कार्तिक मंथ है वो अभी चल रहा है। चलिए वो चीज छोड़ देते हैं, फिर भी हमें मार्गशीर्ष में कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो रहा है और कृतिका नक्षत्र पे ही माँ भगवती ने अरुणाचल के दर्शन किए थे, उस परम ज्योति के दर्शन, उस परमेश्वर के दर्शन अरुणाचल के पर्वत पर किए थे। और 6 दिसंबर मंगलवार को तमिलनाडु के तिरुवनमल्ले में जो अरुणाचल स्थान है वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। ये जो उत्सव होता है जो जिसे कार्तिकाई दीपम बोलते हैं, ये दीपावली से भी ज़्यादा बढ़कर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो पूरा पर्वत ही भगवान शिव का स्वरूप है और वो विशेष समय है। माँ भगवती और भगवान शिव ने जो उस विशेष समय को बताते हुए जो पुण्य के मार्ग बताए हैं, उस समय में उत्सव करने से जो लाभ बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ उस दिन चतुर्दशी भी है, जो भगवान शिव की तिथि मानी जाती है। साथ ही उस दिन शिव योग भी है, और जो लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं वो जानते हैं कि शिव योग में जो भी जप किया जाता है वो तुरंत फल देने वाला होता है। इसलिए देखिए क्या क्या आपको प्राप्त हो रहा है, मार्ग शीर्ष का कृतिका नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है, कार्तिकाई दीपम उस दिन सेलिब्रेट होने वाला है, चतुर्दशी यानी जो शिव की तिथि है वो है, साथ ही शिव योग भी है।
तो पूरा कॉम्बिनेशन ये आपका 6 दिसंबर मंगलवार को बैठ रहा है। इस दिन आपको शिव पूजा अवश्य ही करनी है। जैसे हमने मार्गशीर्ष साधारण नक्षत्र का लाभ उठाया था, बिल्कुल वैसे ही हमें इस विशेष समय का भी लाभ उठा। भगवान का अभिषेक, धूप, दीप, नैवेद्य और सुगंधित द्रव्यों से, सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक करा। जो भी प्रोसेस आपने पीछे की थी मार्गशीर्ष अदरक नक्षत्र पर, वही प्रोसेस आपको इस बार भी करनी है। जितना हो सके आप उतना दीपदान करेंगे और जितना संभव हो सके उतना आपको भगवान शिव की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी है। 9 बजे के बाद से कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो पूरा दिन व्याप्त रहेगा। इसलिए 6 दिसंबर मंगलवार को 9 बजे के बाद आप किसी भी समय आप शिव पूजा कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, बस सुबह 9 बजे के बाद आप पूजा प्रारंभ करें। रात्रि में भी कर सकते हैं, रात्रि में तो शिव पूजा का बहुत ही ज़्यादा पुण्य होता है। साथ ही कृतिका नक्षत्र यदि मंगलवार को पड़ रहा है तो मंगलवार को ऐसा विधान है शिव पुराण के अनुसार कि कार्तिकेय भगवान की पूजा जो कोई भी मंगलवार के दिन पड़ने वाले कृतिका नक्षत्र को करता है उसे वाक सिद्धि प्राप्ति होती है, अर्थात वाणी पर उसका नियंत्रण होता है, वाणी की प्रभुता उसको प्राप्त होती है, वो वाणी में कुशल होता है। वाक सिद्धि या कविता से संबंधित जो लोग हैं, जो काव्य से संबंधित हैं, उन्हें तो स्कंद भगवान की पूजा मंगलवार के दिन पड़ने वाले कृतिका नक्षत्र को अवश्य ही करनी चाहिए। नॉर्मल जो आप शिव पूजन करेंगे वैसा ही आप कार्तिकेय पूजन भी कर दीजिए। साथ में यदि आप कार्तिकेय की पूजा करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। कार्तिकेय स्तोत्र है जिसे प्रज्ञावर्धन स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिकेय स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल छोटा सा स्तोत्र है, आप उसे वहाँ लिंगम के पास में बैठ कर पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन अन्नदान अवश्य ही करना है। अन्नदान तो मार्गशीर्ष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है कि जो कोई भी अन्नदान करता है उसे सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है, खास करके मार्गशीर्ष का जो महीना है उसके अंदर। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है कि मार्गशीर्ष में केवल और केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य को अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इस लोक और परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग यानी मोक्ष की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने में और खास करके ये मार्गशीर्ष अपने उत्तर भारत में ये अभी खत्म हो जाएगा, लास्ट जो आपके पास गोल्डन टाइम है वो है 6 दिसंबर मंगलवार को। इस दिन आप अवश्य ही भगवान शिव की पूजा करिए और उसके बाद अन्न का दान करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होने वाला है। और धूप दीप वगैरह से जो आप शिव पूजन करेंगे वो तो अवश्य है ही। कार्तिकेय पूजन हो गए, अब बात कर लेते हैं हमारे स्वामी भगवान शिव के बारे में। आपने अरुणाचलाष्टकम भी कर लिया, अरुणाचल की अष्टोत्तर शतनामावली भी कर ली। अब मैं आपको एक और स्तोत्र दे रहा हूँ। मैंने पहले बताया था आपको कि नमस्वर्णाद्रिनाथाय, इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गुप्त मंत्र का आपको अवश्य ही जाप करना चाहिए। ये भगवान की डायरेक्ट स्तुति है। और स्तुति से बात करूँ तो मैं देखिए अरुणाचल, आपने बहुत अभी रिसेंटली अरुणाचल सीरीज में आपने अरुणाचल का महात्म्य सुना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ अरुणाचल के बारे में। अरुणाचल का महत्व भगवान शिव ने स्वयं कहा है और ये भी कह दिया कि ये मुझे कैलाश से भी ज़्यादा प्रिय है। अरुणाचल, अरुणाचल की इम्पोर्टेंस कैलाश से भी ज़्यादा है। अब आप लोग थोड़ा चकित हो गए होंगे ये बात सुन करके। कैलाश में तो भगवान शिव स्वयं रहते हैं, उससे भी अधिक इम्पोर्टेंस अरुणाचल की कैसे हुई? क्योंकि कैलाश पर भगवान रहते हैं किंतु अरुणाचल का जो पर्वत है वो भगवान का स्वयं का शरीर है। क्योंकि भगवान लिंग रूप से प्रकट हुए थे, जो ज्योतिर्मय अग्निस्तंभ था उसके रूप में प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा विष्णु के निवेदन पर भगवान ने स्थावर रूप धारण किया। वही भगवान का स्वरूप, वही भगवान का वो अग्निस्तंभ का शरीर स्थावर रूप में उस पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए वो डायरेक्ट शिव है, वो सीधे सीधे शिव है। उनका दर्शन ही इसलिए पापों का नाशक कहा गया है और आपके पुण्य की वृद्धि करता है। गौतम ऋषि माँ भगवती को स्वयं बताते हैं कि
कोई दूर रहकर भी यदि नमस्वणा त्रिनाथाय का जाप करता है और भगवान अरुणाचलेश्वर की आराधना करता है, उनका ध्यान करता है, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अरुणाचल की महिमा बहुत ज़्यादा है। और इस अरुणाचल या नमस्वणाद्रिनाथाय, तो मैं आपको स्तोत्र दे रहा हूँ स्वणाद्रिनाथाष्टकम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस विशेष समय में आपको इस स्तोत्र का जितना संभव हो उतने पाठ आप कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, पांच, ग्यारह, इक्कीस, जितने आपको पाठ करने हैं उतने करिए। लिंगम के पास में बैठ के करिए, शिवलिंग घर पर स्थापित है तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो आप शिवालय में जाकर के भी कर सकते हैं। और 8 दीपक कम से कम आपको प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि ये भी आपको एक गुप्त रहस्य मैं आप बता ही देता हूँ कि जो अरुणाचल भगवान जो स्थावर रूप से स्थापित हैं, जो अरुणाचल पर्वत है, जो अरुणाचल अग्नि लिंग रूप है, उसके 8 दिशाओं में अष्ट दिग्पाल लिंगम है और वो 8 दिशाओं में एक एक शिवलिंग है। इसलिए आप लिंगम के 8 दिशाओं में एक एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें, और एक दीपक जो 9वां दीपक होगा वो बिल्कुल लिंगम के समीप रखिए। यूं मान लीजिएगा कि आप साक्षात अरुणाचल की घर बैठे पूजा कर रहे हैं। इसलिए जो तरीके मैंने बताए हैं इनको अपनाइए और जितना जैसे भी आपसे बन पड़े वैसे आप शिव पूजा करिए। और भगवान का घी से अभिषेक तो आपको अवश्य ही करना है, गाय का घी ही प्रयोग करना है, चाहे बिल्कुल एक चम्मच ही आप अभिषेक के लिए यूज करें, किंतु शुद्ध करें, बिल्कुल भी केमिकल वाला या सस्ते के चक्कर में पड़ के पाप के भागी नहीं बनना है। जितना भी हो सके उतना आप अपने श्रद्धा के अनुसार करिए, किंतु शुद्ध करिए। अरुणाचल के कितने रहस्य मैं आपको बताऊं, मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा। शेष नाग है, उन्होंने भी स्वणाचल या अरुणाचल की आराधना करके, इनका पूजन करके कामरूप को प्राप्त किया था। और रही बात सूर्य भगवान की, तो देखिए एक बार सूर्य भगवान ने अरुणाचल के ऊपर से जाने का प्रयास किया तो वो वहीं तेजहीन हो गए थे, वहीं पर स्तब्ध हो गए थे। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर उन्होंने स्वणाचल की आराधना की, अरुणाचल की आराधना की और उनसे क्षमा मांगी, तब पुनः सूर्य को अपना तेज प्राप्त हुआ। अब सूर्य कभी भी अरुणाचल को नहीं लांघते हैं, वो साइड से ही जाते हैं और भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। समय कम पड़ जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे रहस्य हैं अरुणाचल के। अभी तक के लिए इतना ही। नमः स्वणाद्रिनाथाय का जाप अवश्य ही चालू रखिए, अरुणाचल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अभी तक के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।